आज की वीडियो में मैं क्लाइंबिंग फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा। इसे आप 10 से 15 इंच के गमले में आसानी से उगा सकते हैं। ये आप इसे गमले में लगाते हैं तो ये पूरे गमले में भर कर आते हैं। ये साथ ही साथ ये छांव भी देता है, जिसके छांव में आप बैठ सकते हैं और साथ ही साथ उसके फलों को आप हाथ से तोड़कर खा भी सकते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले ग्रेप्स या अंगूर, ये सबको पसंद होता है, पूरी दुनिया में उगाया जा सकता है। सबसे अच्छा बात ये कि ग्रेप्स का पौधा आपको हर साल नहीं लगाना पड़ता है। ऑर्चर्ड में जब इसकी वाइन लगाई जाती है तो अच्छे ऑर्चर्ड में एक ही वाइन 100 साल तक भी जाती है। हर साल बस इसकी प्रूनिंग की जाती है। और जहाँ तक वैरायटीज की बात है, इसमें आपको स्वाद और रंग की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। हरे वाले अंगूर होते हैं, काले वाले अंगूर होते हैं और लाल वाले भी अंगूर होते हैं। मतलब अलग अलग कलर के गुच्छे आपको बालकनी में लटक रहे हो तो जरा कल्पना कीजिए, वहाँ बैठना आपको कितना सुकून दे सकता है। दूसरे नंबर पर है कीवी। इसके भी बेल होती है। आप इसे 10 से 15 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट जमीन में भी लगा सकते हैं। इसके फल हल्के भूरे रंग के होते हैं। जब इसके फल कच्चे होते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं। जैसे जैसे ये पकते हैं तो इसके कलर भी भूरे रंग की हो जाती है। ये इसकी बेल आप एक बार लगा दिए तो कई सालों तक इसमें फल आते रहते हैं, इसलिए इसे हर साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही आप देखिए इसके फूल भी कितने खूबसूरत होते हैं। तीसरे नंबर पर आप पैशन फ्रूट या कृष्ण कमल की वाइन भी लगा सकते हैं। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप इसे मिट्टी में भी इसकी वाइन को आप लगा सकते हैं। इसके फूल कई रंगों के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये एडिबल होते हैं। इसके फल खट्टे मीठे भी लगते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए इसकी वाइन आप जरूर लगाएं। चौथे नंबर पर तरबूजा यानी वाटरमेलन भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी वाइन होती है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसकी वाइन काफ़ी लंबी होती है। आप इसे फैलने का जितना जगह देंगे वो उतने अच्छे फैलते हैं और ये जितना ज़्यादा फैलेंगे इसमें फल भी उतना ही ज़्यादा आएगा। इसके फल कई रंगों के होते हैं और कई वैरायटी के भी होते हैं, इसलिए आप इसकी वाइन लगा सकते हैं। इसकी वाइन साल में आप एक ही बार लगा सकते हैं। पांचवें नंबर पर आप मस्कमेलन यानी खरबूजा भी लगा सकते हैं। इसकी भी वाइन होती है और इसे आप मिट्टी में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं या 10 से 15 इंच के गमले में भी इसे लगा सकते हैं। इसके फल काफ़ी फायदेमंद होते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे इसके बीज को आप गर्मी में लगा सकते हैं और पूरे गर्मी इसका आप मज़ा ले सकते हैं। गर्मी में ये बहुत ही फायदेमंद देता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। इसके बीजों का भी इस्तेमाल होता है। इसके बीजों को मेवा बनाने में या मिठाई में बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। छठे नंबर पर आप कुकुम्बर यानी खीरा भी लगा सकते हैं। इसकी भी वाइन होती है और इसे आप गमले और जमीन में दोनों में लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में इसके बीज आप लगा दें तो ये खूब बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा फल भी आते हैं। इसके बीज आप गर्मी में लगा सकते हैं। अगर आप एक बार इसके बीज लगाए हैं तो ये इससे आप 6 महीने तक फल का मज़ा ले सकते हैं और अगली बार के लिए आपको दोबारा बीज लगानी होगी। सातवें नंबर पर आप अर्मेनियम कुकुम्बर यानी ककड़ी भी लगा सकते हैं। इसकी भी वाइन होती है। इसे भी आप 10 से 15 इंच के गमले में 2 से 3 बीज लगा सकते हैं। इसकी वाइन भी काफ़ी लंबी होती है। इसके बीज आप एक बार लगा दिए तो 5 से 6 महीने तक इसके फलों का मज़ा आप ले सकते हैं।
अधिकतर ये गर्मी में ही उगाया जाता है। इसके साथ ये ककड़ी आपके हृदय और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इस क्योंकि इसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में होती है। आज की वीडियो में बताई गई वाइन वाले फ्रूट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।